नमस्ते, मेरा नाम शीतल पाल है और मैं भोपाल शहर कोलार रोड की बस्ती अकबरपुर में रहती हूँ और मैं महिला हाउसिंग सेवा ट्रस्ट में 7 सालों से जुड़ी हूँ। और मैं जब महिला हाउसिंग सेवा ट्रस्ट में जुड़ी तो एक एनर्जी ऑडिट के रूप में मैंने काम करना शुरू किया। और एनर्जी ऑडिट के रूप में जब मैंने काम करना शुरू किया तो लगभग मैंने अब तक 30 बस्तियों में काम किया है और 1500 ऑडिट किए हैं और 8000 लोगों को अवेयरनेस जागरूकता के बारे में बताया है, जिसमें हम बस्ती के लोगों को हम जाके बताते थे कि उनके घर को देखते थे कि उनके वेंटिलेशन चेक करते थे और उन बिजली के जो उपकरण को कितना खपत कर रहे हैं उनको सच में कितनी आवश्यकता है जो उनका इतना बिजली का बिल बढ़कर आता है। तब हमने देखा और फिर उनको एनर्जी ऑडिट घर घर जाके डोर टू डोर करके उसके बाद हमने जो कम वॉट के जो बिजली के उपकरण हैं हमने घर घर जाके 2000 प्रोडक्ट बहनों को बस्ती में सेल किया और उन तक पहुंचाया। और इसमें ही हम एनएसटी में एनर्जी ऑडिट के साथ साथ क्लाइमेट साथी पर हम काम कर रहे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, क्योंकि लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं रहता क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं और इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं रहता कि जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो हमने कई प्रकार के प्रयासों से उनको हमने बताया कि जलवायु परिवर्तन क्या है और उसके असर, जैसे कि बस्ती में डेंगू मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि हमारे भोपाल शहर में तो मच्छरों से डेंगू जैसी बीमारियां काफ़ी होती हैं। तो हमने ऐसी बस्तियों में 40 बस्तियों में हमने काम किया और उन 40 बस्तियों में घर घर जाके हमने डोर टू डोर बहनों को बताया और इसके हमने उपाय भी बताए कि हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। हमने उनको बताया कि और वो लार्वा कहाँ कहाँ पनपता है, जैसे कि बस्ती में जाते थे हम बहनों को बताते थे कि ना कूलर का पानी में लार्वा अधिक पनपता है और साफ़ पानी अगर हमने टंकी में या किसी बर्तन में जमा किया और 7 से 8 दिन अगर हमने उसको नहीं साफ़ किया तो उसमें फिर लार्वा हो जाता है, लार्वा के बाद वो 7 से 8 दिन में मच्छर बन के उड़ के काटता है जिससे डेंगू जैसी बीमारियां होती है। और कभी भी हमने सोचा नहीं था, मैंने खुद नहीं सोचा था जब मैंने सीखा और फिर मैंने बस्ती में जाके उन बहनों को भी बताया, जैसे कि किचन की जो हमारी इतनी साफ़ सफाई रखने के बाद भी सबसे ज़्यादा किचन में ही पाया जाता है वो कैसे, जैसे कि फ्रिज का जो पीछे का हिस्सा रहता था तो उसमें हमारी बहनें हम ही नहीं देखते थे कि सच में कहीं फ्रिज में ही पाया जाएगा, जो फ्रिज की पानी की ट्रे रहती थी अधिकतर उसमें लार्वा मिलता था। तो हम बहनों को ये जानकारी देते थे 7 से 8 दिन के बीच में पानी को खाली करते रहें, साफ पानी को जमा नहीं होने दें, अगर उसको साफ करेंगे तो लार्वा नहीं होगा। हमने साथी बहन को ये भी बताया, जैसे कि हमारी बहन जो बस्तियों की बहन रहती थी वो ज़्यादा पैसे वाली नहीं होती है कि बाहरी उपाय से अपने बचाव कर सके, तो कुछ ऐसे उपाय हैं बहुत ज़्यादा जो हमने उनको जानकारी दी, जैसे कि मॉस्किटो ट्रैप बनाना बताया हमारी बहनों को, गेंदा का पौधा लगाने से भी मच्छर का बचाव कर सकते हैं, तुलसी का पौधा से हम भी बचाव कर सकते हैं और अन्य जैसे कि जो अलाउड का रिफिल रहता है उसका भी हम घर में एक बार अलाउड खरीद के उसके बाद हम रिफिल बना सकते हैं, वो कैसे, नीम का ऑयल और कपूर मिक्स करके। हमने बहनों को अन्य प्रकार की मच्छरों से बचाव की जानकारी दी और इसके अलावा हमने सरकार से मिलकर मलेरिया डिपार्टमेंट के साथ मलेरिया कैंप भी जगह जगह लगाए और हमने पंपलेट के द्वारा भी हमने बताया बहनों को कि हम मच्छरों को कैसे बचाव कर सकते हैं। जो अभी जो डेंगू जैसी बीमारी है तो मैं सरकार की मदद करूं और भोपाल को डेंगू मुक्त करने की सहायता करूं, जब अपने जीवन में कम से कम बिजली का कम से कम खपत करें, कम से कम वॉट करें, जहां तक हो सके तो अपने जीवन में सोलर सिस्टम का ही उपयोग करें।